बॉबी लैशली इंजर्ड हो चुके हैं। जी हाँ, बॉबी लैशली द डिस्ट्रॉयर जो है वो हमारे इंजर्ड हो चुके हैं। इंजरी की वजह नहीं पता चल पाई, लेकिन गाइस वो अपने किंग ऑफ द रिंग के फर्स्ट राउंड क्वालिफायर से बाहर होते हैं और गाइस अब देखेंगे उनका रिटर्न कब होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंजरी का सिलसिला कंटिन्यू है। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू रहने वाली, ये रहने वाली एक मैशअप वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले रोमन रेंस की, द बेस्ट ब्रॉक लेसनर की एंड आपके फेवरेट लुनाटिक फ्रेंच जॉन मॉक्सली की भी। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की सबसे पहली खबर के साथ। जो सो बोले हैं, आई जस्ट फेल्ट लाइक ब्रे वाइट वॉज जस्ट शोइंग लव टू मी, यानी कि जब मैं एंट्री ले रहा था तो मैंने देखा लोगों ने अपने फोन की लाइट जलाई हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि ब्रे वाइट मुझे अपना स्नेह अनुभव करा रहे हो और कहीं ना कहीं ब्रे वाइट की अनुपस्थिति मैंने वहां फील की है। तो गाइज यहां जो ब्रे वाइट जो है वो काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार थे, लेकिन बुरे सर्कमस्टांसेस में वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जे उसो का शाउट आ जाता है। सच्ची में दोस्तों मैं जे उसो का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हो चुका हूँ। जे उसो दोस्तों कभी भी पीछे नहीं हटते हैं फैंस का दिल जीतने में। और गाइज जिस तरीके के जे उसो के स्पीयर चल रहे हैं आजकल, वो बड़े बड़े लोगों को अपना फ़ैन बना रहे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इस अगले न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लोगन पॉल से। तो जहां जे उसो पर प्यार आ रहा है, लोगन पॉल पर गुस्सा आ रहा है। दरअसल दोस्तों लोगन पॉल ने लास्ट 200 डेज में सिर्फ दो बारी टाइटल डिफेंड किया है। तो गाइस देखा जाए तो लोगन पॉल काफी पॉपुलर है और ये पॉपुलरिटी यूट्यूब की वजह से है, साथ ही साथ उनके बॉक्सिंग करियर की वजह से भी। लेकिन WWE के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं ऊंचा दुकान फीका पकवान साबित हो रहे हैं, क्योंकि बीते 200 दिन में सिर्फ दो बारी उन्होंने टाइटल डिफेंड किया है। और जब रोमन रेंस फाइट करते थे लोग कहते थे कि रोमन रेंस ओवर पुश है, यहां लोगन पॉल सबसे ज्यादा ओवर पुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगन पॉल 200 फाइट ही नहीं देते हैं और चैंपियनशिप बहुत कम डिफेंड करते हैं। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज को। इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों कोडी रोड्स के रिपोर्ट कार्ड से। तो रिपोर्ट कार्ड सामने निकल कर आ चुका है कोडी रोड का बैकलैश का, और गाइस यहां चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं है। बैकलैश दोस्तों अगर बात किया जाए इंटरनेशनल पीपीवी के तौर पर काफ़ी बड़ी सक्सेस अर्जित किया है, आपने रिएक्शंस भी देखे होंगे। लेकिन गाइस यहां बात करूँ पीपीवी 22 की, यानी कि लोगों ने खरीद कर किस किस ने चैनल पर देखा इस बारी का बैकलैश। तो गाइस उस लिस्ट में बैकलैश लोएस्ट बताया जा रहा है। टेलीविजन पर देखने वाली संख्या पीपीवी 22 जो थी वो सबसे लोएस्ट बताई जा रही हिस्ट्री की। इवन 200 डे मैजर के अकॉर्डिंग जो गूगल सर्चेज थे वो किसी भी पीपीवी की अगर बात करें तो सबसे लोएस्ट थे, यानी कि लोग सर्च ही नहीं कर रहे थे बैकलैश को। इवन बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि बैकलैश कब होगी, किस टाइम पर होगी। और इवन दोस्तों अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं भी दोस्तों काफ़ी स्तब्ध रह गया जिस दिन मुझे पता चला कि आज शाम को 9:30 के आसपास बैकलैश शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बैकलैश के लिए जो हाइप थी वो उतनी नहीं थी, और कहीं ना कहीं इसका एक मेजर रीजन कोडी की जीत भी है। कोडी दोस्तों रेसलमेनिया में जीत कर आ रखे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि अभी वो लूज नहीं करने वाले, जितना ओपी उन्हें दिखाया जा रहा है। तो एजे स्टाइल्स की हार निश्चित थी और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ चीज़ें उतनी भी सही नहीं है और इसे लोएस्ट पीपीवी बाय करने वाला बैकलैश बताया गया है। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने द बेस्ट द अनोमली लेसनर से। तो लेसनर के बारे में दोस्तों काफी अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, अगर आप लेसनर के फैन है तो ही आपको अच्छी लगेगी। यहां क्या चीज बताया जा रहा है कि माया लेसनर, जो कि दोस्तों लेसनर की बेटी है, मिया या फिर माया कुछ भी कह सकते हैं, यहां दोस्तों जो है हैमर थ्रो में फिर से चैंपियन बन चुकी है और 62 मीटर का दोस्तों इन्होंने मार्क किया है। हैमर थ्रो में दोस्तों एक नया रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है। ब्रॉक लेसनर की जैसे दिखने वाली दोस्तों उनकी जो बेटी है मिया लेसनर, ये गाइस काफी टाइम से चर्चा में है और रिपोर्ट से भी थी कि डब्ल्यू वाले इन्हें जल्द कंपनी में ला सकते हैं, साइन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लेसनर चर्चा में है और जिस तरीके की पॉजिटिव अपडेट्स लेसनर से जुड़ी भी आ रही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि एक स्पॉट खाली है समर स्लैम में रिटर्न के लिए, तो गाइस लेसनर अगर वो भर सकते हैं और इस वक्त दोस्तों लेसनर काफ़ी खुश होंगे जैसे दोस्तों उनकी बेटी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सऊदी अरेबिया में होने वाले एक नए पीपीवी से। तो कल हमने डिस्कस किया था सऊदी अरेबिया में हो सकता है एक नई डील के तहत रॉयल रंबल हो या फिर रेसलमेनिया हो, लेकिन अब तीसरा नाम भी आ चुका है। अगर रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया नहीं मिलती है तो डे मदर के अकॉर्डिंग सऊदी वाले ला सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को
उनके देश में। तो हाँ दोस्तों, एक एनहांसमेंट डील होने वाली कंपनी के साथ, और उस डील के तहत जो ये सऊदी के ऑफिशियल्स है, ये कोई एक बड़ा पीपीवी अपने शहर अपने देश लेकर जाने वाले हैं। और अब इस लिस्ट में दोस्तों सर्वाइवर सीरीज भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ सीधी सीधी बात इतनी सी है, सऊदी वालों को फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक इवेंट अपने घर पर चाहिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो भी जाए, क्योंकि डब्ल्यू वाले इस वक्त इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा फैलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों द अनडिस्प्यूटेड द फॉर्मर चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड रोमन रेंस से। तो गाइस, रोमन रेंस की एग्जैक्ट रिटर्न डेट निकल कर सामने आ चुकी है। एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट जहां दोस्तों हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो समर स्लैम के लिए दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है, रूमर्ड है कि रिटर्न करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कहां उनकी फाइट होगी, क्या एग्जैक्टली वो समर स्लैम में फाइट देंगे, वेल इसके ऊपर तो कोई अपडेट नहीं। हो सकता है समर स्लैम के अंदर उनका रिटर्न हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों वहां कहां फाइट देने वाले हैं, तो गाइज वो पता चल चुका है। नाम है सर्वाइवर सीरीज। यस, सर्वाइवर सीरीज दोस्तों अभी बहुत ज्यादा महीने बाद है, अक्टूबर नवंबर के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज डेफिनेटली वहां होने वाली है, वो है वॉर गेम्स, जहां इस बार ही बताया जा रहा है कि डब्ल्यू वालों का ऑलरेडी यही प्लान है, ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन 2.0 कराना है, जहां एक तरफ होगी सोलो सिकॉ की ब्लड लाइन, वहीं रोमन रेंस की ब्लड लाइन भी आपको उनके अपोजिट में देखने को मिलेगी। और एक एक करके दोस्तों आपको मल्टीपल अनवाई मेंबर्स टोंगन्स दो है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आते हुए नजर आएंगे, और इन दोनों टीम्स को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तो ट्राइबल चीफ दोस्तों एक वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं, और गाइस ये वॉर काफी खतरनाक होने वाली। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जुड़ी है दोस्तों कल होने वाली स्मैकडाउन के प्रीव्यू से। जी हाँ, कल होने वाली है काफी तगड़े वाली स्मैकडाउन, जिसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कुल मिलाकर 4 से 5 बड़े मैचेस कंफर्म कर दिया है, और एक सेगमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां दोस्तों जो सबसे बड़ा मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो काफी ह्यूज है, लिटरली दोस्तों ये बहुत ह्यूज मैच है। ये होने जा रहा ठामा ठोंगा एंड डॉकिंग्स के मध्य। तो डॉकिंग्स को दोस्तों लाया गया है लैशली के रिप्लेसमेंट के तौर पर, और गाइज इसका मतलब यह है कि ठामा ठोंगा इसके अंदर एक आसान जीत अर्जित करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें महिलाओं का क्वालिफायर देखने को मिलेगा क्वीन ऑफ द रिंग वाला, जहां दोस्तों बियांका फेस करने वाली कैंडिस को। आई थिंक इसके अंदर एक आसान जीत होने वाली है बियांका की। उसके बाद उनकी दोस्त की फाइट होगी, जी हाँ, जेड कार के लिए भी फाइट देने वाली है, और वो फेस करने वाले पाइपर को। वेल सच्ची बात बताऊं, जेड के लिए काफी ह्यूज मैच होगा, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए, क्योंकि हम देखेंगे जेड में कितनी क्षमता है, क्या वो पाइपर को उठा सकती है, क्या उन्हें फॉर्म फॉर्म कर सकती है। वेल इसके अंदर डेफिनेटली जेड की तरफ से हमें एक तगड़ा फिनिशर देखने को मिलने वाला है, और जेड मेरे हिसाब से इसमें जीतेगी भी। इसके बाद दोस्तों नायोमी फेस करने वाले नाया जैक्स को। वेल नायोमी के लिए मैं काफी सैड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि इसके अंदर नाया जैक्स जीतेगी। हालांकि नायोमी भी जीत सकती है, लेकिन नाया जैक्स हाल फिलहाल में स्मैकडाउन में आई है, और उन शायद से उनका पहला मैच है स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने के बाद, तो यहाँ मेरे हिसाब से नाया जैक्स ही जीतेगी। इसके बाद होगा दोस्तों मेगा मैच, जो कि मेन इवेंट में भी रखा जा सकता है, एज स्टाइल्स फेस करने वाले रैंडी ऑर्टन को। यस, इट्स कन्फर्म्ड, एज स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन होगा क्वालिफायर। और गाइस ये काफी बड़ा मैच है, लिटरली रैंडी एजे के जितने भी मैचेस देखे काफी क्लासिक रहे हैं, और गाइज यहाँ मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी जीत सकता है, बट गाइज मैं चाहता हूँ ऑर्टन जीते। इवन एजे मेरे फेवरेट है, लेकिन ऑर्टन काफ़ी टाइम से हार रहे हैं, आई थिंक कल ऑर्टन को इसके अंदर जीतना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स की तरफ से दोस्तों हम लोगों को कल प्रोमो वोमो देखने को मिल सकता है, ये चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअल में उनका ओपोनेंट कौन है, और अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में वो किसे फेस करेंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस सेगमेंट में, जो कि गाइज एक बोनस रहेगा हम सब लोगों के लिए, वो है गाइस ब्लड लाइन वॉरफेयर फिर से शुरू होते हुए। तो ब्लड लाइन वॉरफेयर में दोस्तों आप जानते हैं गाइस टांगा लोआ जो है ऐड हो चुके हैं, और टांगा लोआ की इंट्रोडक्शन हम लोगों को कल देखने को मिलेगी सोलो सिका की तरफ से। सोलो सिका, टामा टोंगा, लोआ, मेरे हिसाब से हो सकता है कल पॉल हैमन को अपना शिकार बनाए। पॉल हैमन बच रहे हैं गाइस, और पॉल हैमन को दोस्तों ये मिलकर शिकार बना सकते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन न्यूज की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस से। तो गाइस डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लगभग आज से कई साल पहले जो जॉन मॉक्सली थे डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर गए थे, और ऐसे कमेंट पास किए थे जिसके बाद से डब्ल्यू वालों ने उन्हें अपने नेटवर्क के ऊपर से लगभग ब्लॉक ही कर दिया था। उन्हें कहीं नहीं दिखाया जा रहा था, उनके मैचेस को दोस्तों डब्ल्यू वाले रेयरली कहीं पुट कर रहे थे, और बाद में रिमूव भी कर दे रहे थे। यहां दोस्तों 5 साल बाद
कल दोस्तों लगभग 24 घंटे पहले रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस एक ओल्ड मैच सर्वाइवर सीरीज वाला डब्ल्यू वालों ने अपने नेटवर्क पर पुट किया, इवन यूट्यूब पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोस को मेंशन किया गया, जो कि अपने आप में दोस्तों काफी पॉजिटिव अपडेट है। यहां दोस्तों डीन एम्ब्रोस अब डब्ल्यू के द्वारा दोस्तों ब्लैकलिस्टेड नहीं है, ये 200 मेगा अपडेट है, और मॉक्सली को मल्टीपल टाइम्स दोस्तों मेंशन किया जाएगा, इसका भी दोस्तों सबूत मिल चुका है। मॉक्सली अभी AEW के साथ साइंड अप है, लेकिन जल्द दोस्तों उनकी डील खत्म होगी, एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि डब्ल्यू वाले दोस्तों उनके सामने एक बेहतरीन डील रखेंगे, बेहतरीन ऑफर रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मॉक्सली क्या उसे साइन करते हैं जब उनकी डील ब्रीच होती है, लेकिन एक चीज तो हो चुकी है कि गाइस वो डब्ल्यूबी से अब ब्लॉक नहीं है। वीडियो आज की दिन थी तो जॉन मॉक्सली नाम दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आए हो। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।